हेलो बच्चों, मैं मिस अनीमा हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी में संचिता बुक से चैप्टर 1 बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दो वर्णों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाया गया है। बच्चों, सबसे पहले स्वर और व्यंजन क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। बच्चों, वर्णमाला में वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में अ से लेकर अ तक के वर्ण आते हैं, व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण आते हैं। चलो बच्चों, स्वर और व्यंजन से मिलकर बने शब्दों को हम पढ़ेंगे। अब अब, ईसा इस, उड़ा उड़, रीना रिन, ऐशा ऐश, औरा और, आमा आम, ईखा ईख, ऊना ऊन, एका एक, ओसा ओस। अब हम दो व्यंजनों से मिलकर बने शब्दों को पढ़ेंगे। क ला कल, ग मा गम, च खा चक, ज गा जग, ट ला टल, ड रा डर, ख ता खत, घ रा घर, छ ता छत, झ टा झट, ठ का ठक, ढ ला ढल। त ना तन, द ला दल, प का पक, ब ला बल, य ग्या यज्ञ, ल ता लत, श का शक, स बा सब। थ ना थन, ध ना धन, न ला नल, फ ला फल, भ या भय, म ना मन, र था रथ, व का वक, श टा शट, ह ला हल। यहाँ देखिए, गुब्बारों में से सही वर्ण चुनकर चित्र के नाम को पूरा करना है। यहाँ बस का चित्र दिया हुआ है, यहाँ ब लिखा हुआ है, ब के बाद में कौन सा वर्ण लिखेंगे, स, ब स बस। यहाँ नल का चित्र दिया हुआ है, यहाँ ल लिखा हुआ है, ल के पहले कौन सा वर्ण लिखेंगे, न, न ल नल। यहाँ फल का चित्र दिया हुआ है, यहाँ फ लिखा हुआ है, फ के बाद में कौन सा वर्ण लिखेंगे, ल, फ ल फल। यहाँ ऊन का चित्र दिया हुआ है, यहाँ न लिखा हुआ है, न के पहले कौन सा वर्ण लिखेंगे, ऊ, ऊ न ऊन। यहाँ यज्ञ का चित्र दिया हुआ है, यहाँ ज्ञ लिखा हुआ है, ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण लिखेंगे, य, यज्ञ यज्ञ। यहाँ रथ का चित्र दिया हुआ है, यहाँ र लिखा हुआ है, र के बाद में कौन सा वर्ण लिखेंगे, थ, र थ रथ। अब हम लोग तीन वर्णों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। म ह ल महल, प ल क पलक, न ग र नगर, न ह र नहर, ब ट न बटन, ब ह ल बहल, झ ल क झलक, म ग र मगर, श ह र शहर, म ट र मटर, ट ह ल टहल, झ ट क झटक, ड ग र डगर, ठ ह र ठहर, क म ल कमल। अब हम लोग चार वर्णों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। क स र त कसरत, अ च क न अचकन, स र क स सरकस, क ट ह ल कटहल, प त झ ड पतझड़, अ ज ग र अजगर, झ ट प ट झटपट, अ न प ड अनपढ़, ब च प न बचपन, अ द र का अदरक,
न ट ख ट नट खट उ प व न उपवन। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र का नाम लिखना है। यहाँ मटर का चित्र दिया हुआ है, यहाँ मटर मटर लिखेंगे। यहाँ कमल का चित्र दिया हुआ है, यहाँ कमल कमल लिखेंगे। यहाँ उपवन का चित्र दिया हुआ है, यहाँ उप व न उपवन लिखेंगे। यहाँ एक बच्ची कसरत कर रही है, यहाँ कसरत कसरत लिखेंगे। बच्चों अब हम बिना मात्रा वाले शब्दों से वाक्यों को पढ़ेंगे। अजय इधर आ, उपवन चल, कसरत कर, हट मत कर। रमन अचकन पहन, मटक मटक कर चल, अब सर्कस चल। मदन झटपट चल, थर्मस भर कर रख, नटखट मत बन। नमन नहर पर चल, कलश पकड़, जल भर। बच्चों बिना मात्रा वाले शब्दों एवं वाक्यों को आप लोग पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।